जैसे कि आप सबको पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इज फेमस फॉर उसके जो हम फेस्टिवल्स बनाते फिर से लेता हूँ सॉरी जैसे कि सबको पता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है एक जो सीरियल है उसमें हम फेस्टिवल्स को अपनेपन को और अपनी जो बॉन्डिंग है उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बस आज हम पेरेंट्स डे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और उनको हमने सरप्राइज़ दिया मैंने और नायरा ने मिल के, तो कि तो आज वो बहुत खुश है। हमने केक बनाया उनके लिए, केक कटिंग किया, मैंने डांस भी किया, हमने पापा कहते हैं पे डांस किया और मैं उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी देना चाहता हूँ पर वो अभी नहीं दूंगा, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारा जो एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे केप टाउन में कृष्णा, वो बिकने वाला है और मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स भी ढूँढ रहा हूँ, इन्वेस्टर्स ढूँढ रहा हूँ और बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, लोकेशन भी ढूंढी मैंने। तो लेट्स सी, अगर मुझे अच्छे से फंडिंग हो जाती है तो मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलूँगा, उसका नाम होगा कृष्णा और वो मैं पापा को गिफ्ट करूँगा। वैसे ये तो आप अपने पापा मम्मी के लिए सोच रहे हो लेकिन पापा मम्मी तो कुछ और ही सोच रहे हैं कि पता नहीं लक्ष्य को क्या हो गया है, क्या छुपा रहा है ना। हाँ, उनको डाउट हो रहा है मेरे पे कि मैं कॉलेज जाता हूँ कि कहीं और जाता हूँ, क्योंकि मैं सारा टाइम बहुत सीरियसली काम कर रहा हूँ आजकल लैपटॉप पे, तो उनको यकीन नहीं हो रहा कि मैं पढ़ सकता हूँ इतना सारा, तो उनको डाउट हो रहा है कि मैं बार बार इतना कैसे पढ़ सकता हूँ, पर मैं कर कुछ और काम रहा हूँ अपना लैपटॉप पे, मैं लोकेशंस और इन्वेस्टर्स वगैरह के चक्कर काट रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ सब चीज़ें। वैसे जो अक्षरा माँ है उनकी नज़रों से कुछ बचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेती, तो क्या लगता है इस बार कामयाब हो जाएंगी वो? कोशिश तो यही है मेरी कि मैं कामयाब हो जाऊँ और मैंने बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया है, पर लेट्स सी, पकड़ा गया तो तब उसके लिए एक और प्लान बनाऊँगा। थैंक यू। सर रोलिंग है।